अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, स्पॉन्ज की, चॉकलेट स्पॉन्ज की। और इस रेसिपी के रिटन इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहले मैदे को छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग छान के अलग रख लेंगे। अब कोकोआ पाउडर डाला है, अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है इसमें, और नमक डाला है। चलें अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को छान के साइड पे रख लेंगे। और इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। अब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। मिल्क है, ऑयल डाला है, और 1 टीस्पून के पास मैंने वनीला एसेंस डाल दिया इसमें। बस इनको मिक्स करूँगी और साइड पे रख लेंगे इसको भी। अब हम लोग एग को बीट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 एग्स लिए हैं और इनको मैंने इतना बीट करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। जब तक एग्स बीट हो रहे हैं, मैं आप लोगों को अपना बेकिंग पैन दिखा रही हूँ। ये मैंने 6 इंच का पैन लिया है और ये हाइटेड पैन है। अगर आप लोग के पास हाइटेड पैन नहीं है तो आप 2 6 इंच के पैन भी यूज़ कर सकते हैं। बस कट करके इसमें बेकिंग पेपर लगाएंगे, और ऑयल लगाया मैंने साइड पे। यहाँ पे देखें एग्स का कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। अब दोनों को मिक्स करूँगी। यहाँ पे एग्स और शुगर का भी देखें कलर चेंज हो गया है। अब इसमें सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने बनाए थे ना, वो हम लोग साइड पे रख इसमें डालेंगे। और मिक्स करेंगे, और बाद में हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने और मिक्स करते जाना है। चलें ये इस तरह की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसमें एक ही हाइटेड पैन यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ये यहाँ पे बेक होके केक आ गया है। इसको 30 to 40 मिनट्स लगे थे बेक होने में, क्योंकि हाइटेड पैन था ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है ये। अगर बड़ा पैन होगा तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 25 मिनट तक बेक हो जाएगा। बस अब इसको निकाल लेते हैं, और ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक का ही है। अच्छा, इस केक की मैंने 4 लेयर्स भी कट करी की थी एक केक में, और एक केक में मैंने इसकी 7 लेयर्स भी कट की थी। चलें अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये कितना अच्छा, कितना स्पॉन्जी सा बना है ना। और इसको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी 4 लेयर्स कट की हैं, लेकिन सेम रेसिपी मैंने एक और केक में यूज़ की थी, उसमें मैंने इसकी 7 लेयर्स कट की थी। इससे अच्छा हाइटेड केक बनता है। देखिए अंदर से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। चलें बस ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। मैं आप लोग के लिए और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।